हे गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग काफी अच्छे हैं। सबसे पहले तो मैं आपसे माफी मांगना चाहूंगा कि बहुत दिनों से मैं क्लास 12 की वीडियोस अपलोड नहीं कर पा रहा था, लेकिन फ्रॉम नाउ ऑन आई विल ट्राई टू अपलोड एज मच एज पॉसिबल वीडियोस ऑफ क्लास 12 एंड क्लास 11 एज वेल। तो 11 12 की जो भी कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं, जो एनसीईआरटी से स्टडी करते हैं, खासकर उनके बुक्स के थ्रू ही मैं आपको स्टडी कराऊंगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं ये वीडियोज आपके एग्जामिनेशन के लिए भी। कि आप जो है हमारे वीडियोस को देखें और इसको शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, ताकि उनकी भी जो है प्रिपरेशन जो है एग्जामिनेशन की बहुत अच्छी तरीके से हो सके। आपको पता है कि सीबीएसई में जो एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो पूरी तरीके से एनसीईआरटी बेस्ड होते हैं। तो एनसीईआरटी के बुक्स को ही हम सॉल्व करेंगे और वन बाई वन जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे उनको सॉल्व करते हुए चलेंगे, और जो भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन होंगे उनको भी सॉल्व करेंगे, ताकि आपके एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन बहुत ही आसानी से चलती रहे। ठीक है, तो लेक्चर स्टार्ट करते हैं बिना समय बर्बाद किए। उसके पहले कहना चाहूंगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि आपको मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशन जो है वो सबसे पहले मिलती रहे। तो अभी तक क्लास 12 का जो प्लेलिस्ट है अकाउंटेंसी का, उसमें तीन वीडियोस थे। चौथा वीडियो मैं अभी डालने वाला हूं, जिसमें मैं बात करूंगा डिफरेंस बिटवीन एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। तो बहुत ही कॉमन ये क्वेश्चन है, इवन ये 11 12 इवन समटाइम्स कॉलेजेस में भी जब आप फर्स्ट ईयर का एग्जाम देते हो तो भी ये क्वेश्चन जो है आपसे पूछा जाता है। सो इट इज अ वेरी कॉमन क्वेश्चन फॉर ऑल द कॉलेज स्टूडेंट्स एज वेल एज द स्कूल स्टूडेंट्स। सो आई वॉन्ट ऑल ऑफ यू टू प्लीज लिसन टू दिस वीडियो केयरफुली, ताकि आपको सारी जानकारी हो पाए और आप अच्छे तरीके से समझ पाओ। बिकॉज अगर आपको समझ में आ जाएगा तो डेफिनेटली आप एग्जामिनेशन में अच्छे तरीके से आप लिख लोगे, है ना। तो चलिए फिर लेक्चर स्टार्ट करते हैं। डिस्टिंक्शन बिटवीन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, तो दोनों में क्या अंतर होता है? सो बेस्ड अपॉन डिस्कशन मेड इन रिगार्ड टू द रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट एंड इन द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट वी मेक द डिस्टिंक्शन बिटवीन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। अरे यार छोड़ो यार, इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। नीचे में जो पॉइंट्स आप देख रहे हो यही इसका डिस्टिंक्शन है। मैं एक एक करके यहाँ पे आपको एक एक करके बताता चलता हूँ। तो नेचर की बात की जा रही है, सबसे पहले जो इनकम एंड प्रॉफिट जो होता है वो बिल्कुल ही प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की तरह होता है, जहाँ पे आप प्रॉफिट निकालने की कोशिश करते हो, समटाइम्स लॉस भी होता है ना। लेकिन रिसीट और पेमेंट अकाउंट जो होता है ये एक तरीके का कैश बुक होता है, यहाँ पे आप प्रॉफिट और लॉस निकालने की कोशिश नहीं करते हो, है ना। तो सबसे पहला जो डिफरेंस ये हो गया कि नेचर में इसका यही डिफरेंस है कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर इट्स अ काइंड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, वेयर एज रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट इज जस्ट लाइक अ कैश बुक अकाउंट। Now, nature of items, it record income and expenditure of revenue nature only. अब देखो जो income and expenditure जो account आप बनाओगे, वहाँ पे जो भी आपके income होगी या फिर जो भी आपका expenditure होगा, वो अगर revenue nature का होगा तो ही इसका recording होगा। अगर वो capital nature का होगा तो उसका recording income and expenditure में नहीं हो पाएगा, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा कि ये profit and loss है, और कैपिटल एक्सपेंडिचर जो भी जब भी होता है तो वो जो होता है वो एसेट या फिर लायबिलिटी में होता है, है ना। तो एसेट और लायबिलिटी का आइटम को हम लोग जिस तरीके से पीएल में नहीं ला सकते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस में नहीं ला सकते हैं, उसी तरीके से यहाँ पर भी हम इसको नहीं ला पाएंगे। इनकम एंड एक्सपेंडिचर में भी हम कैपिटल नेचर के आइटम को नहीं ला सकते। वेयर एज अगर आप रिसीट एंड पेमेंट में बात करोगे तो इट रिकॉर्ड्स रिसीट एंड पेमेंट ऑफ रेवेन्यू एज वेल एज कैपिटल नेचर। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में लेकिन कैपिटल नेचर के भी चीजों को रिकॉर्ड किया जाता है, और साथ ही साथ रेवेन्यू नेचर के जो होते हैं उसको भी रिकॉर्ड किया जाता है। तो ये एक डिफरेंस है दोनों के बीच में। नाउ पीरियड, इनकम एंड एक्सपेंडिचर आइटम्स रिलेट ओनली टू द करेंट पीरियड। आप जब सवाल बनाओगे तो आपको समझ में आएगा कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जो भी रिकॉर्डिंग्स होती है वो सिर्फ एक साल से रिलेटेड होती है। एक साल में जितनी भी इनकम होगी, जितनी भी एक्सपेंडिचर होगी, सिर्फ उसी को रिकॉर्ड किया जाएगा। वेयर एज अगर आप रिसीट एंड पेमेंट की बात करो तो उस वाले अकाउंट में आपका प्रीवियस भी, अगर आप कोई किसी और साल का पैसा अगर आप इस साल रिसीव कर रहे हो तो उसको भी रिकॉर्ड कर लिया जाता है। आने वाले समय जो साल आने वाला है उसका भी एडवांस अगर आप पैसा रिसीव कर रहे हो तो उसको भी रिकॉर्ड कर लिया जाता है, बट अकाउंटिंग के लिए वो सही नहीं होता है ना। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट सिर्फ ये शो करता है कि आपको कितने पैसे रिसीट मिले, कितने पहले पैसे आपने पेमेंट किए, अब वो किसी भी साल से हो सकता है ना। लेकिन इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जो भी रिकॉर्डिंग होती है वो आपकी करंट पीरियड से रिलेटेड ही होती है। डेबिट साइड ऑफ दिस अकाउंट रिकॉर्डेड एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। इनकम एंड एक्सपेंसेस का जो डेबिट साइड होता है उसमें हम जो रिकॉर्ड करते हैं वो एक्सपेंसेस एंड लॉसेस है, जिसको हम एक्सपेंडिचर अकाउंट के नाम से जानते हैं। वेयर एज रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट जो होता है वो डेबिट साइड में रिकॉर्ड किया जाता है रिसीट्स को, मतलब ठीक इसका उल्टा। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में आप डेबिट साइड में रिसीट्स को लिख रहे हो, लेकिन इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में डेबिट साइड में आप एक्सपेंसेस को लिख रहे हो। क्रेडिट साइड में इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में आप इनकम को लिख रहे हो, लेकिन
रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में आप पेमेंट्स को लिख रहे हो, तो ये एक अंतर है, ठीक है, ये आप समझ लो। डिप्रिसिएशन, इनकम एक्सपेंडिचर में डिप्रिसिएशन को इंक्लूड किया जाता है फॉर श्योर, लेकिन रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में डिप्रिसिएशन को इंक्लूड नहीं किया जाता है, तो ये एक डिफरेंस है। ओपनिंग बैलेंस, देयर इज नो ओपनिंग बैलेंस। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में किसी भी तरह का ओपनिंग बैलेंस नहीं होता है, लेकिन रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में ओपनिंग बैलेंस होता है, चाहे वो कैश इन हैंड हो या फिर कैश एट बैंक हो, ठीक है। क्लोजिंग बैलेंस, तो क्लोजिंग बैलेंस के बारे में बता देता हूं मैं आपको। क्लोजिंग बैलेंस में बैलेंस एट द एंड रिप्रेजेंट एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर, जो आखिर में जो बैलेंस बचता है वो या तो ये दिखाता है कि आपका इनकम जो है वो एक्सपेंडिचर से ज्यादा है, या तो ये दिखाता है कि आपका एक्सपेंडिचर जो है वो इनकम से ज्यादा है। मतलब या तो प्रॉफिट दिखाएगा या तो लॉस दिखाएगा, है ना, सरप्लस दिखाएगा या डेफिसिट दिखाएगा, लेकिन रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में ऐसा कुछ नहीं होता। बैलेंस एट द एंड रिप्रेजेंट्स कैश इन हैंड एट द कैश एंड बैंक और बैंक ओवरड्राफ्ट, ये शो करता है। ये जो डिफरेंस है, ये जो आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जो क्लोजिंग बैलेंस है वो प्रॉफिट या लॉस शो करता है, लेकिन रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में वो शो नहीं किया जाता, वहां पे सिर्फ और सिर्फ कैश एट हैंड, कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक का जो बैलेंस होता है वो आपको शो किया जाता है। सो दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। आई होप कि आपको ये वीडियो काफी पसंद आया हो, काफी इंपॉर्टेंट वीडियो मैं बताना चाहूंगा, काफी ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक कमेंट और शेयर कर दो, और इसी तरह के कंटेंट्स को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ताकि आपको मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशन जो है वो भी आपको मिलती रहे। उसके लिए आपको जो बेल आइकन है सब्सक्राइब करने के बाद उसको भी दबाना बहुत जरूरी हो जाता है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखो, बाय, थैंक यू।